हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। पुलिस विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, यहाँ पर दो अवैध कॉलोनियों में विभाग की तरफ से कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनी की सड़कें, कंस्ट्रक्शन का काम और सड़कों पर लगी लाइट्स को तोड़ा गया। वहीं डीटीपी विक्रम सिंह ने बताया कि इन कॉलोनियों को परमिशन नहीं थी और विभाग की तरफ से कई बार कॉलोनी मालिक को नोटिस भी भेजा गया, लेकिन बावजूद उसके इन कॉलोनियों में कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा। विभाग की तरफ से इन कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि अवैध कॉलोनी में जमीन ना लें, क्योंकि जो कॉलोनियां अवैध रूप से बनाई गई हैं उन पर विभाग की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। दोनों कॉलोनियों में कार्रवाई जारी है। दो जेसीबी मशीन के साथ हम पहुंचे हैं यहाँ पे। पहले वाली जो कॉलोनी है उसको हमने डेमोलिश किया है पूरा का पूरा, जितने भी डीपीसी थी वो सारी उसमें डेमोलिश कर दी है। स्ट्रीट लाइट को थोड़ा, इसके अलावा रोड जो आप सीख पा रहे हैं, जैसे कच्चे रोड हैं, अभी पक्के रोड नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी हम एक बार इसमें खुदाई कर रहे हैं और अब इस कॉलोनी में पहुँचे हैं। ये तो थोड़ी छोटी कॉलोनी लगती है, एक मकान बना हुआ है इसके अंदर। मकान को तोड़ने की प्रक्रिया आगे रहेगी, उसमें 72 के नोटिस अलग से देने होते हैं, तो अलग से नोटिस